अहम खबर देंगे आपको। वफाकी काबीना ने DGFIA राय ताहिर को उनके ओहदे से हटा दिया। वफाकी काबीना ने मोहसिन भट्ट को नया DGFIA लगाने की मंजूरी दे दी। इसी बारे में बात करेंगे मनमानदे असर फारूक से। अजर आगाह कीजिए जी। वफाकी काबीना का इजलास जारी है। तीन मुकाती एजेंडा था। एक तो स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती है और उसके साथ साथ DGFIA का मामला था, तो वो उसके अप्रूवल तो कैबिनेट ने दे दिया है। राय ताहिर को DGFIA के ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह मोहसिन भट्ट को DGFIA तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। मोहसिन भट्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं ग्रेड 22 के, जबकि राय ताहिर को नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है इंसदाद दहशतगर्दी का, और इस हवाले से बाजाबे तौर पर कैबिनेट ने आप अप्रूवल दे दिया। इजलास जारी है। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त जो पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस वक्त कैबिनेट में वो अमूर जो है वो जेरे गौर है। शुक्रिया आज़र फारूक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज। पहुँचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।